नमस्कार, आप देख रहे हैं News 22 India और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो आइए रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। ज्यों ज्यों विधानसभा चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इस बार द्वाबा की धरती से बगावत का स्वर वैसे ही फूटा है जैसे कभी गोरखपुर में भाजपा से बगावत का झंडा मुख्यमंत्री योगी जी ने उठाया था। टिकट कटने के बाद समर्थकों के आग्रह पर भाजपा से बगावत करके चुनाव मैदान में ताल ठोक चुके बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह अपने 5 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के आधार पर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। गांव-गांव समर्थकों की उमड़ती भीड़ से विधायक सुरेंद्र सिंह की स्थिति काफी सुदृढ़ होती जा रही है। हर बैठक जनसंपर्क में सुरेंद्र सिंह का एक ही वादा हो रहा है, बैरिया को भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और माफिया मुक्त करके सभी आम जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम आगे भी अनवरत करता रहूंगा। श्री सिंह ने कहा कि मेरे द्वारा पिछले 5 सालों में 10,000 से अधिक ट्रांसफार्मर को बिना किसी देर के बदलवाने का काम किया है, सभी को राशन की दुकानों से राशन दिलवाने का काम किया है। मुझे दोबारा आशीर्वाद मिला तो मैं बैरिया में विकास की गंगा को भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से बहाने का काम आगे भी करता रहूंगा। बैरिया विधानसभा के जमीन लुटेरे पगड़ीधारी को पुनः भदोही की धरती पर भेजकर ही दम लूंगा। द्वाबा की धरती से अत्याचारी, अन्यायी व गरीबों का हक लूटने वाले पापियों को क्षेत्र से बाहर रखना ही मेरा लक्ष्य है। बलिया उत्तर प्रदेश से News 22 India के लिए जिला ब्यूरो चीफ आनंद मोहन मिश्रा की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 22 India। खबर भी, असर भी, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।